सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो है कांग्रेस की स्थापना। देखिए ये वीडियो बिल्कुल इंटायर अलग है। जनरली मैं आपसे कहता हूँ कि केवल इंपॉर्टेंट पढ़िए, जो एग्जाम में आने वाला है वो पढ़िए। जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बार मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको पढ़ना है। उसका कारण ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इतिहास को याद करना तो फिर तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं इतिहास समझना या जो इतिहास की घटनाएं हैं वो आपके आंखों के सामने एकदम घटित होती लगे तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह से फाउंडेशन है, उस नींव के समान है जिस पर कि पूरी इतिहास की बिल्डिंग आप खड़ी करेंगे। चलिए थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं और देख रहे हैं आप कांग्रेस की स्थापना। ये वही कांग्रेस है जिसका आजादी में सर्वाधिक योगदान है, तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल वही है। आपको ये भी कोई जान के हैरानी नहीं होगी कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, AOU ने। थोड़ा दर्द होता होगा आपको कि वो कांग्रेस जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक आज़ादी मिली, बहुत बड़ा रोल है उनका हमारी आज़ादी में, अंग्रेजों से आज़ाद कराने में, उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की। दर्द तो होता होगा आपके दिल में। क्या जरूरत पड़ी किसी अंग्रेज को कि वो आके हमारे लिए काम करे? कुछ ना कुछ तो होगा, और वो भी वो अंग्रेज जो बहुत दयालु किस्म का नहीं है। 1857 की क्रांति में यही AOU साहब हमारे भारतीयों को जिंदा जला दिए थे, एक कमरे में बंद करके आग लगवा दिया थी उन्होंने। अचानक से इनका 1885 में हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कुछ तो पर्दे के पीछे घटित हो रहा होगा। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे सामने आता है सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट। यूट्यूब पे इसके वीडियो भरे पड़े मिले हुए, देख लो कि बोर्ड पे कुछ भी लिखा नहीं है। इतिहास का सब्जेक्ट है, लिख के कहते हैं लोग याद करने वाला, और कुछ भी लिखा नहीं है मैंने। देखिए दो चीजें आप समझिए, इतिहास और फिलॉसफी, दर्शन जिसको आप कहते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर होता है सिर्फ तो प्रूफ का। इतिहास प्रूफ मांगता है आपसे, अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो इतिहास नहीं है, वो कुछ भी हो पर वो इतिहास नहीं है। तो जब ऐसी बातें करते हैं कि AOU साहब ने क्यों किया, तो एक ऑफिसर है जिन्होंने अपनी जीवनी में लिखा हुआ है कि भारत में ढेर सारे राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा है, उसको दबाने के लिए एक कोई ऐसी संस्था लाई जाए जो कि उनकी सुनवाई का दिखावा करे, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे पुराने इतिहासकार, नए नए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुराने इतिहासकारों ने सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट लाया कि भाई सेफ्टी, जैसे वॉल आप जानते हैं साइकिल हम लोग चलाते हैं, साइकिल में एक वॉल होता है, हवा अगर बहुत भरा तो निकाल देते हैं, तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की हवा बहुत भर गई थी तो सोचे कि उसी के साथ थोड़ा कर देंगे, और सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट इतिहासकारों ने, पुराने इतिहासकारों ने दे दिया। लेकिन आज के टाइम में तथ्यों पर जब हम इसका प्रूफ लेते हैं तो यह कहीं भी टिकता नहीं है। लेकिन YouTube पे जितने भी इतिहास के वीडियो बनाए जाते हैं सब पे यही बनाया जाता है कि सेफ्टी वाल था, सेफ्टी वाल था। चलिए मैं इसको काटता कैसे, मैंने कहा ना प्रूफ देना होता है इतिहास में। प्रूफ आप लीजिए कि अगर एक अंग्रेज ने इसको बनाया अपने लिए ना, आप कह रहे हो सेफ्टी वाल अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया, तो फिर 3 सालों बाद जब तीसरा सम्मेलन इलाहाबाद में होने वाला था तो सम्मेलन के लिए अंग्रेजों ने जमीन ही नहीं दी। जार झूले साहब थे अध्यक्ष, आप जानते हैं, जमीन ही नहीं दी। आप सोचिए जो मतलब आप कह रहे हो कि ये यू बच्चा था कांग्रेस का, उसी बच्चे का गला 3 साल में ही दबाया जा रहा है, बिना सम्मेलन के लिए जमीन नहीं मिल पा रही। सोचिए 3 दिन इस पूरे एरा में, साल में 3 दिन बैठक होती थी, उस 3 दिन के लिए अंग्रेज जमीन देने को तैयार नहीं है। बिहार के दरभंगा के राजा ने, अगर आप इलाहाबाद के हैं तो आपके लिए मतलब विशेष है ये, बिहार के दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में पूरी दरभंगा कॉलोनी जो आज है खरीदी
और वही कांग्रेस को दे दी अपने अधिवेशन के लिए, तब जाके इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो सका। तो कहीं से ये सटी आपको नहीं मिलेगा कि सेफ्टी वॉल था। अब आप ये दो चीज़ें जानिए, स्थापना तो हुई एओ ह्यूम के द्वारा ही हुई, जो कि अंग्रेजों के रिटायर्ड ऑफिसर थे। उस सेफ्टी वॉल में ये भी कहा गया था कि उनको इनपुट मिला था कि ये राष्ट्रवाद होने वाला है, बड़ा आंदोलन हो सकता है। आप बताइए, अगर कोई सूचना आएगी भी तो किसी रिटायर्ड ऑफिसर के पास आएगी क्या? कभी नहीं। कोई सूचना अगर आती है तो किसी रिटायर्ड को अपने उच्च ऑफिसर को देगा, लेकिन ये कह रहे रिटायर्ड ऑफिसर को मिला। तो कहीं से सेफ्टी वॉल की प्रामाणिकता प्रूफ मिल नहीं पाता, प्रमाणिक नहीं पाता इसका। लेकिन ये तो फैक्ट है कि एओ ह्यूम ने किया, अंग्रेज था, क्रूर अंग्रेज था। तो दो क्वेश्चन आपके सामने उठाता हूं, आप खुद जवाब दीजिएगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अंग्रेजों ने भारतीयों का यूज किया, या भारतीयों ने एओ ह्यूम के माध्यम से अंग्रेजों का यूज किया। देखिए, आप जानते हैं 1857 की क्रांति का क्या हासिल हुआ था। अंग्रेजों ने बुरी तरह से मारा पीटा था सबको, और इतना ज्यादा मारा पीटा था कि हम पहला विद्रोह बंगाल विभाजन के टाइम दिखा पाए, यानी 50 साल लगभग कहें तो लगभग 50 साल, ठीक है, 2-3 साल के। तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेज इसको पनपने देते क्या? अगर कोई भारतीय स्थापना करता इसका तो क्या अंग्रेज पनपने देते इसको? जी नहीं, वही कुचला जाता है। इसीलिए भारतीयों ने अंग्रेजों का यूज किया। और इसी पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय हथकड़ी को भारतीयों ने अंग्रेजों के हथौड़े से ही तोड़ दिया, टिप्पणी करी। क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस में नहीं, यूपीएससी। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट पढ़ने के आदि हैं हम लोग, यूपीपीसीएस में फैक्ट ही आता है और उसी पे काम करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885, लेकिन इससे पहले ही एयू ह्यूम ने 1884 में इसकी स्थापना कर दी। उन्होंने घोषणा की कि 1885 में इसकी पहली बैठक होगी पुणे में, लेकिन पुणे में आ गई महामारी, इस वजह से यह बैठक हुई पहली मुंबई में, जिसको कि उस समय बंबई कहते थे। उसी में दादा भाई नरोजी ने कहा कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, तब से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। ये वही कांग्रेस है जो आज तक चली आ रही है। इसके बाद काफी लोगों ने इस पर स्टेटमेंट दिया, हम पढ़ेंगे। जो सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट है उसमें कर्जन कहता है कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल में ही मौत की नींद सुला देना, खत्म कर देना। और आप कहते हो कांग्रेस ने इसको बनाया सेफ्टी वॉल के थ्रू। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेफ्टी वॉल कहीं से प्रूफ नहीं होता, इसको प्रमाणित करना कठिन। आज के इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। देखिए, जब हम कांग्रेस के पूरे अपने स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो तीन भागों में हम इसको बांटेंगे। उदारवादी नीति चलती है 1885 से 1905, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इसमें लेंगे। हमने इस वीडियो का मेन मकसद ये था आपको बताना कि जो आप देखते हैं सेफ्टी वॉल हर जगह वीडियो में बताया जाता है, वो सत्य नहीं है, वो फिलॉसफी हो सकती है, इतिहास नहीं। उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही एक कारण नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पूरे बंगाली समुदाय लगा हुआ था इस मूवमेंट में कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच सबको मिले, और उसी का परिणाम था एओ ह्यूम के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई गई। याद रखिएगा, करवाई गई, ना कि एओ ह्यूम ने की। चलिए, उदारवादी आप पढ़ लेंगे। उदारवादी क्यों? जैसा कि मैंने बताया, एक साल में 3 दिन ये लोग बैठते कर देते, अपनी मांग रखते थे, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बस खत्म, कुछ भी नहीं। लेकिन ये इनकी शैली थी काम करने की। इससे मिला क्या हमें? इस पूरे मिला
मिला कि हमें राष्ट्रवाद की भावना देश में ला पाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी जो थी वो हमें मजबूत कर पाए इस दौर में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, अगर यूपीपीसीएस की बात करें। इन दोनों की हम चर्चा बड़े डीप में करेंगे, खासकर इसकी चर्चा गांधीवादी युग की बहुत करेंगे। चलिए आइए फिर से, इसमें हमें मिला क्या? एक तो हम राष्ट्रवाद की भावना ला पाए, दूसरा हम ये अपने स्पीच जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ट्रेनें चल गई थी उसके माध्यम से लोगों की भावनाएं शेयर कर पाए, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब उग्रवादी आते हैं, इसमें देखिए इनमें नौ, इन्होंने अपने पहले ही अधिवेशन में नौ मांगों को रखा था, एक से आठ तक तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नौवीं था वह बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें कहा गया कि जो भारत का प्रशासनिक तंत्र है उसमें उसका भारतीकरण कर दिया जाए। अब सोचिए अगर भारतीकरण कर दिया जाता तो लगभग वो भारत आजाद ही होता, एक तरह से भारत आजाद ही कहलाता, तो अंग्रेजों की कोई बातें मानी नहीं, कोई भी नहीं। ये हमेशा यही कहते थे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कभी भी आजादी की मांग नहीं उठाई। उदारवादियों की खासियत क्या थी? उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र कहा, इन्होंने कहा जैसा ब्रिटेन, हम आप ही का राज्य चाहते हैं लेकिन वैसा ही जैसा ब्रिटेन में। ये कहीं से भी चाहते थे अंग्रेज यहां शासन करें, लेकिन जैसा ब्रिटेन में सुविधाएं जनता को दी जाती हैं, जैसा शासन है सबको एक समान माना जाता है, वैसा ही मान। देखिए 1905 से 1919 का जो कालखंड है उसको कहते हैं उग्रवादी। इनका मेन काम था कि हमें आजादी चाहिए, अंग्रेजों से आजादी, पूरी पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ही था ताकि आप इतिहास को लिंक कर सके एक दूसरे से। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट चूंकि सक्सेसफुल नहीं होता है, और उसी को विवाद को लेके जो उग्रवादी थे वो स्वदेशी मूवमेंट को ले जाना चाहते थे पूरे भारतवर्ष में, जबकि उदारवादियों का कहना था ये बंगाल में ठीक है। इसी को लेके विवाद हुआ और 1907 में सूरत फूट हुई। पढ़ेंगे इसको, एक एक करके पढ़ेंगे, बस ये एक समरी वीडियो है जिससे कि आप इतिहास को घटते हुए अपनी आंखों के सामने देख सकें। लिंक है, देखिए विभाजन हुआ, विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट असफल रहा और उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद हुआ, सूरत फूट हुआ। फिर आगे हम चल चल के देखेंगे कि लखनऊ के अधिवेशन में दोनों में पैचअप हो गया। चलिए अब थोड़ा गांधीयन एरा में आते हैं, इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। गांधी जी आए और उन्होंने पूरी भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया, डीप में पढ़ेंगे हर एक एक चीज को। इसी बीच इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा, कामागात तो मारू घटना जो थी, एक जहाज था इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग पहले से पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा आपको कि जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कब रहे हैं, क्या खासियत रही है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है इस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, पहली महिला, पहले मुस्लिम, काफी क्वेश्चन इस पे आते हैं। अगला वीडियो आपको वो मिलेगा, और आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो मिले उसको जरूर बताइए। आइए गांधी नेहरा पे आते हैं। गांधीवादी युग जो था हमारा, एक तरीके से कहें तो भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदलता है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, या फिर भारत छोड़ो, गांधी इरविन, गांधी अम्बेडकर से समझौता, काफी डीप में एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और 24 सितंबर से पहले सभी मॉडर्न चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और देखिए जो अगर ऑप्शनल आपकी हिस्ट्री है उसके लिए सौरभ चौबे सर, जिनकी बुक काफी इस समय मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको पढ़ाएंगे। जो 24 के बाद जब प्री आपका खत्म हो जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसकी हिस्ट्री है उसके लिए सौरभ चौबे सर पढ़ाएंगे, वो
कई आईएएस की कोचिंग हैं उसमें पढ़ाते रहते हैं, सिंडिकेट आईएएस इलाहाबाद में इसमें पढ़ा रहे हैं, पूरा ऑप्शनल जो हिस्ट्री है वही पढ़ाएंगे आपको। अभी मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एंशिएंट चाहिए या मिडवल पहले चाहिए इसको कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या इतिहास आपको एक घटते हुए क्रम में दिखा या नहीं, अपनी आंखों के सामने आपने महसूस किया कि नहीं कि सेफ्टी वॉल को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ए यू ने किया या ए यू का यूज किया गया, आप पूरी तरह से हिस्ट्री को समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।